नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी खाली सीडी या डीवीडी को कैसे वर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाली सीडी या डीवीडी को बिना किसी सॉफ्टवेयर के उसमें डेटा को रखना चाहते हो, उसे भरना चाहते हो, उसे वर्न करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको अभी पता होगा कि अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं और स्कॉलरशिप में जो है आपसे सीडी या डीवीडी मांगी जाती है जिसमें डेटा को हमें भर के देना होता है उस सीडी या डीवीडी के अंदर। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से वहाँ से सॉफ्टवेयर लाते हैं और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या करते हैं, सीडी डीवीडी को उसको तैयार करते हैं, उसमें डेटा को भरते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर के उस सीडी या डीवीडी में आप डेटा को भर सकते हो, डेटा को रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ये सब आपको कैसे करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी खाली सीडी या डीवीडी लगाते हैं तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव और नीचे लिखा हुआ है विद अ सीडी डीवीडी प्लेयर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ऊपर टाइटल देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप इस सीडी डीवीडी का कोई भी टाइटल दे दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलेज डेटा, तो यहाँ पे मैंने कॉलेज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे विथ आ सीडी डीवीडी प्लेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चेकमार्क लगा दिया है। अब देखिए अगर आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आपको ऊपर लगाना होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे सीडी डीवीडी बनाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें वो डेटा रखना है जो कि हम इस सीडी में वर्न करना चाहते हैं, इस सीडी या डीवीडी में रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी फोल्डर में वो डेटा ले रखा है तो आपको उस डेटा को वहां से उठा के यहाँ रखना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा दिखा रहा है ये हमारा जो है सीडी यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, और यहाँ पे देखिए ये हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिस फोल्डर में हमने अपने डेटा को रखा हुआ है, और इस डेटा को हम यहाँ पे अपनी इस सीडी के अंदर रखना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ करना है और सारे डेटा को उठा के यहाँ पे रख देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जितनी MB का साइज आपके सीडी के अंदर हो उतना ही डेटा आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज करिए आपने कोई सीडी लगा रखी है तो उसका डेटा वहाँ पे आप मैक्सिमम 600 MB तक रख सकते हो, और अगर आपने DVD लगा रखी है तो वहाँ पे आप 3 GB या फिर इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन आप 3.5 GB से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस डेटा को रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ ऐसे उठाऊँगा और इस सीडी में यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज का, तो आपको मैनेज पे जाना है यहाँ पे और मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फिनिश वर्निंग, आपको क्या करना है इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये लिखा आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आप टाइटल वही रखना चाहते हैं तो इसे रहने दीजिए, और अगर आप टाइटल को चेंज करना चाहते हैं अभी भी तो टाइटल को आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीडी या डीवीडी वर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको उसके बाद जो है फिनिश का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल सा आपको फिनिश करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे
तो देखिए इस तरीके से ये डेटा वर्न हो जाएगा और आपको फिनिश करना है और अपनी सीडी डीवीडी को बाहर निकाल लेना है और आपकी सीडी या डीवीडी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप किसी भी सीडी या डीवीडी को बिना सॉफ्टवेयर की मदद से एक या दो मिनट में जो है तैयार कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।